नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से, और आज हम लोग लेके आए हैं आपके साथ, आपके सामने चेतक 2413 मॉडल। तो जब चेतक लॉन्च हुआ था तो वो मॉडल की नंबरिंग सीरीज 2403 थी, और वो वाले चेतक और ये वाले चेतक में फ़र्क ये है कि पुराना जो चेतक था उसमें बॉश के पार्ट्स लगे हुए थे, जो कि ज़्यादा करके इम्पोर्ट हो रहे थे, लोकली असेंबल हो रहे थे ऑफकोर्स। और ये वाला जो चेतक है 2413 वाला, इसमें बजाज डिज़ाइंड बैटरी है और बजाज डिज़ाइंड मोटर कंट्रोलर है। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई ज़रूरी नहीं कि बजाज खुद कर रहा है, शायद उनके वेंडर्स कर रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो सारी बजाज की है। पुराने चेतक और नए चेतक में कोई फ़र्क नहीं है। एक छोटा सा अगर आप देखना चाहते तो यहाँ पे एक बैजिंग है, जहाँ पे पहले 2403 लिखा करता था और आजकल 2413 लिखा हुआ है। बाकी ऊपर दिखने में पुराना चेतक और नया चेतक हूबहू सेम ही है। बैटरी पैक का डिज़ाइन थोड़ा सा बदला है, पहले एक बड़ा फ़ैन नीचे बैठा करता था, अब दो छोटे फ़ैन बैटरी के अंदर बिठा दिए गए हैं। मोटर की ट्यूनिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी कर दी गई है, गाड़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है पहले से, रेंज लगभग उतना ही है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि रीजन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है एट लोअर स्पीड्स, जिसकी वजह से कभी कभी तकलीफ़ होती है। लेकिन ओवरऑल पुराना चेतक नया चेतक वही है। सिर्फ बजाज के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन उनका खुद का है अभी, तो इसीलिए ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, गाड़ी को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है उन लोग के लिए। तो ये गाड़ी शुरू हुई और ठीक है, आपकी बैटरी की रेंज दिखा रही है, न्यूट्रल ड्राइव मोड्स, ये आपका ट्रिप मीटर है। सुबह से 46 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, SOC 41% है इस समय, और ओडोमीटर 333 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है जब से बनी है। कुछ महीने पहले हम राहुल और मेहुल जी से मिले थे, जिनने अपने चेतक और एथर की कहानी सुनाई थी, तो हमने ये नई वाली गाड़ी राहुल जी को दी एक दिन चलाने के लिए। और अभी हमारे साथ राहुल जी हैं इस समय, और उनसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि पुरानी चेतक भी वो चला रहे हैं, नई भी चला के आए, तो दोनों में उनको क्या फ़र्क लगा। तो राहुल जी वेलकम। तो राहुल जी के चेतक करीब 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, और उनका जो रोज़ का रनिंग है वो करीब 60-70 किलोमीटर के आसपास होता ही है, तो आज करीब 40-50 किलोमीटर चला के आए हैं वो। तो बताइए राहुल जी, पुराने वाले चेतक में और नए वाले चेतक में आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? पुरानी वाली 2403 जो है, इट वॉज स्मूथ, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा स्मूदर है। अच्छा। जो मोटर का रिस्पांस है वो ज़्यादा लीनियर है। जो पहले वाली जो अर्लियर मॉडल था उसमें जर्की एक फील था कि कई बार अगर आप थ्रॉटल ज़्यादा दे रहे हो तो गाड़ी एक झटका देती थी, इसमें वैसा है नहीं, थ्रॉटल रिस्पांस और जो मोटर का जो व्हीकल कंट्रोल यूनिट में शायद कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर में यस प्रोबेबली किया है। हाँ, बाकी और कोई मेजर डिफरेंस नहीं महसूस हुआ है। बैटरी थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद बेटर लगी है, जो मेरा रोज का एक पर्टिकुलर जिस रूट पे हम मूव करते हैं उस रूट में चाहिए, उससे कम महसूस हुआ। अभी नया बैटरी, आपने टायर भी बदले आपके स्कूटर के, उससे भी फर्क हो सकता है, क्योंकि ग्रिप बेटर आई है नए टायर्स में, ये पुराने टायर्स में चैलेंज आ रहा था। तो इस वाले टायर में आपको कोई ग्रिप का फर्क पता चला? हाँ, ये इसमें ग्रिप कम मिलती है। अच्छा, तो आपको लगा ये वाले चला करके? ठीक, क्योंकि ट्रेड का वो ट्रेड पैटर्न का है कुछ दिक्कत। ठीक, रेस्ट इट्स गुड, इट्स रियली गुड। राहुल जी, जब मैं चला रहा था इसको तो यू नो मेरे को किसी के घर जाना था और राइट टर्न लेना था, तो मैंने अपना एक्सेलेटर छोड़ा हाथ दिखाने के लिए, और गाड़ी इतना रीजन स्ट्रांग था कि पीछे ने एक मोटरसाइकिल के आके ऑलमोस्ट मेरे को मार दिया। तो काफ़ी चिंतित थे वो भाई साहब, उन्होंने कहा यार आपने ब्रेक क्यों मारा? मैंने तो ब्रेक मारा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे जो रीजन का आइडिया लगा वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगा। ऑफ कोर्स मेरी स्पीड कम थी, मैं इको मोड में था, लेकिन आपका जो रीजन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, तो उसमें आपको क्या लगा? क्योंकि आप भी एक लंबा चौड़ा घाट नीचे आते हैं 10 किलोमीटर का रोज। स्पोर्ट्स मोड में मुझे रीजन इतना एग्रेसिव नहीं लगा है, इट इनफैक्ट काफ़ी ईज आउट हो चुका है अब,
क्या एक मिड जैसा, हाँ एक मिडवे हो गया है कि जहाँ पे ज़्यादा रीजन भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा कोस्टिंग भी नहीं है, एक नॉर्मल व्हीकल जैसा। एसओसी ड्रॉप कितना हुआ या घाट सेक्शन में? इनफैक्ट बहुत होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ है। right. वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। right. उसके लिए लॉन्गर जितना हम व्हीकल और इसके अंदर रहेंगे तो पता चलेगा। फास्ट चलाते हैं बुड्ढे लोग, स्लो चलाते हैं, ऑलवेज इन स्पोर्ट्स मोड, ऑलवेज इन स्पोर्ट्स मोड। हाँ, हो सकता है स्पोर्ट्स मोड का भी रीजन उन लोग ने कम किया हो कंपेयर टू इको मोड, वो भी यस ये हो सकता है। छत्तीस किलोमीटर रेंज है और बैटरी की अगर हम एसओसी देखते हैं ये मोड दबा करके तो एसओसी है 41%। इसमें मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो आई डोंट फोकस ऑन टू द किलोमीटर्स रिमेनिंग, एसओसी मैं एसओसी के हिसाब से ही अपनी कैलकुलेशन मेंटेन करके रखता हूँ। और अगर 41 है फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आई कंसिडर कि 35 मिलना है मुझे। right. तो आई बी ऑन अ सेफर साइड, रेंज एंजाइटी के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि एसओसी को ही फॉलो करो। That is the way I worked out. Very good point. Very good point. ये है आपका चार्जिंग केबल चेतक का और बाकी सारे गाड़ियों से इसका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ तो नोट कीजिए कि इसका जो चार्जर है वो गाड़ी के अंदर ही लगा हुआ है, आपके पास मात्र केबल है। TVS में, TVS iQube में, ओला में, एथर में, सबके जो चार्जर्स हैं वो अलग हैं। इस गाड़ी में आपका चार्जर ऑन बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि चार्जर अंदर ही है, आपको जो मिल रही है बाहर वो सिर्फ एक केबल है। तो इसका जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है इसकी, वो सबसे बेहतरीन है जो भी हमने देखा हुआ है। ये जो सॉकेट है, अगर आपके पास में एक इंडस्ट्रियल सॉकेट है तो आप डायरेक्टली उसमें प्लग इन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा सेफ रहता है हाई करेंट्स के लिए। और ये जो नई एक चीज़ दी हो, यहाँ पर एक फ्यूज़ डाला हुआ है कि कल को अगर करेंट ज़्यादा आ गया तो ये आपको एक प्रोटेक्शन है। और इसको खोल करके अगर समझो इसका फ्यूज़ उड़ गया है तो मैकेनिक या आप खुद भी उसका फ्यूज़ चेंज कर सकते हो। राइट, तो ये डालते वक्त आपको सबसे पहले ये निकालना है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि ये स्लॉट है, खांचा है, ये खांचे में आपका ऐसे घुसता है अंदर, ये हो गया तैयार। अब खोलने के लिए इसको दबाइए दोनों तरफ से और इसको खींचिए। राइट, अब इसको जब आपको पैक करना है तो ये आपका सामने यहाँ पे आ जाता है, फिट हो गया। और ये जो केबल है ये यहाँ से आप अपना घुमाना शुरू कीजिए इसको, ठीक है। जितने टर्न्स हैं एग्जैक्टली उतनी जगह इन लोगों ने दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा थोड़ा डिज़ाइन थिंकिंग गया हुआ है इसके पीछे में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। और बाकी जो नए स्टार्टअप वाले लोग हैं उनको बजाज जैसे कंपनियों से सीखना चाहिए डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा। तो ये हमने इसको ऐसे अंदर घुसा दिया, परफेक्टली मैच हो गया। अब ये जो पार्ट है आपका ये यहाँ पे जाके बैठ जाता है। राइट, और ये आपका पाउच है, ये पाउच में आपने इसको ऐसे डाला, जिप किया। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये चेतक का लोगो है और इसको वर्टिकल खड़ा होना चाहिए यहाँ पे। ये चेतक के लोगो के साथ में आपने इसको अंदर डाल दिया, रेडी टू गो। ठीक है, तो आपकी डिक्की की जगह जो कि वैसे भी काफ़ी सीमित है, तो अगर आपने उसके अंदर चार्जिंग केबल डाल दी तो आप समझ लो आधी डिक्की आपकी वो खा जाता है। तो अब आपके डिक्की में वो इंटरफियर नहीं करता है, कोई चार्जर नहीं है, कोई चार्जिंग केबल नहीं है। आप चाहे तो इसमें एक हाफ हेलमेट डाल सकते हो या चाहे तो आप अपना रोज़मर्रा का सामान डाल सकते हो, तो डिक्की का पूरा फ़ायदा मिल रहा है। तो राहुल जी, हमने बड़ा अभी आप लोगों को, श्रोताओं को हमने दिखाया कि उसका चार्जिंग केबल को कैसे हम लोग अच्छे से डाल के अंदर कर सकते हैं। तो एज ए यूज़र आप करते हैं या नहीं करते हैं? ये आपने बहुत अच्छी तरह से दिखाया बट ये उतने तक ही, उसके बाद इसको आपने डम करना है, जहाँ उसका जो स्पेस बना दिया है डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट उसी में डम करके निकली। तो आपको अगर समझो बाहर कहीं प्रॉब्लम आया चार्जिंग का तो फिर आप क्या करोगे? ईवी के साथ आपको प्री प्लान करना है, आपके शेड्यूल, आपके टाइमिंग्स, आपको प्री प्लान करके ही चलना है। दिस इज राइट नाउ, आगे का पता नहीं। पिछले हफ्ते हमने एरिक वाज के साथ एक पॉडकास्ट किया, तो उसमें हमें खुशखबर ये दी गई कि एक और बजाज का मॉडल आने वाला है
और वो करीब 31 मार्च के पहले लॉन्च होगा, चूंकि चेतक नहीं होगा, मतलब इट विल बी सम कोई और वेरिएंट होगा, तो वो एक अच्छी खबर है। दूसरा आई थिंक जो उनकी एक डिज़ाइन फिलॉसफी उनने हमें बताई जिसमें कि सेफ्टी फर्स्ट रखी हुई है, यानी कि आप बाकी गाड़ियों में देखोगे तो इन लोग का जो टॉप स्पीड है वो काफ़ी सीमित है, तो गाड़ी आपकी 65 के ऊपर नहीं जाती है, और उसकी एक वजह है क्योंकि जब आप जितनी स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी का उतना ज़्यादा करंट आपकी मोटर खींच रही होती है, और इंजीनियरिंग में एक जितना आपका करंट है उसको आई स्क्वायर आर कहते हैं, वेयर आई करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, तो करंट आपका डबल मतलब क्या बोलते हैं स्क्वायर रिलेशनशिप में बढ़ता है, तो गर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे आग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए जो पीक पावर की रेटिंग है गाड़ी की मोटर की और जो नॉमिनल पावर है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रखा है कंपनी ने, मतलब आप ये समझ सकते हो कि मोटर को उसने बांध के रखा हुआ है कि भैया मेरे पास पावर ज़्यादा है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर कहता है भैया तू संभाल के रख, मैं तेरे को ज़्यादा जाने नहीं दूंगा। और एरिक साहब का ये कहना था कि जैसे ही उनके पास में डेटा और ज़्यादा बढ़ते जाएगा वैसे ही वो लोग वो जो लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा कस्टमर्स का, ठीक है, आज के दिन में 20,000 चेतक रास्ते पे घूम रहे हैं, तो 20,000 चेतक का रोज़ डेटा उन लोग को मिल रहा है, कैप्चर हो रहा है, और वो डेटा एनालाइज करके फिर कंपनी डिसीजन ले सकती है इस चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ जो की हुई है कि बैटरी को आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो इसका लॉजिक वही है क्योंकि फास्ट चार्जिंग में अगेन करंट आपके ज़्यादा जाते हैं और उसके वजह से सेफ्टी के इश्यूज आ सकते हैं, तो ओवरऑल इस गाड़ी की जो बैटरी की वारंटी है वो है 70,000 किलोमीटर के लिए, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 7 साल में आराम से पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ है किलोमीटर ना कि साल, ठीक है। उसके बाद क्या आपकी बैटरी सेम रहेगी? नहीं। तो आज के दिन में अगर गाड़ी आपको 100 किलोमीटर का रेंज दे रही है तो 70,000 किलोमीटर होने के बाद कंपनी की वारंटी पॉलिसी कहती है कि आपको सिर्फ 70 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। अगेन खुशखबर यह है कि जो एक्चुअल डेटा आ रहा है फील्ड से उससे ऐसा लग रहा है कि जितना डिग्रेडेशन क्या बैटरी का होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, तो शायद आपको 7 साल 70,000 किलोमीटर के बाद में 70 के बदले में शायद 75-80 किलोमीटर का रेंज फिर भी मिले, जो कि बहुत अच्छा होगा। फाइनली ऐसा नहीं है कि 7 साल बाद आपकी बैटरी पूरी मर जाएगी, राइट, आपकी रेंज कम हो जाएगी, और अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि आपको दिन के सिर्फ 30-40 किलोमीटर चलाने हैं तो आप आराम से इस बैटरी को 10 साल तक 12 साल तक भी शायद खींच पाओगे, लेकिन अगर आपका जो यूजेज है राहुल जी के जैसा दिन का 50-60 किलोमीटर के ऊपर है उस समय आपको बैटरी बदलने की नौबत आ जाएगी। ये है 2022 का नया चेतक। चेतक पुणे में आज के दिन में भी वेटिंग लिस्ट पे चल रही है गाड़ी, और कारण ये है कि प्रोडक्शन कम है, गाड़ी ठीक है, थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है वैल्यू फॉर मनी के इक्वेशन के टर्म्स में ऐसा लगता है हम लोगों को, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मेटल बॉडी है, ठीक है। अगले 2 महीने के अंदर प्रोडक्शन डबल किया जा रहा है, 6,000 पर डे का प्रोडक्शन, 6,000 पर महीने का प्रोडक्शन हो जाएगा। थोड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की शॉर्टेज चल रही थी ऐसा हमें बताया गया, तो वो जो है कंपोनेंट्स के जो इश्यूज हैं वो थोड़े सॉल्व हो गए हैं, और एक हिसाब से बजाज जो कर रहा है वो ठीक है, जो प्रोडक्शन धीरे धीरे रैंप अप करना चाहिए, बजाय ओला जो कि 10,000-12,000 पे पहुंच के फिर से 3,000 पे नीचे गिर जाता है, बजाज का थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चल रहा है। आज के दिन में 45 डीलरशिप्स हैं जहाँ पे गाड़ी अवेलेबल है, अगले 3-4 महीने में वो 80 हो जाएगा, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है मार्केट का। आपको क्या लगा, क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी बजाइए और सब्सक्राइब कीजिए।